नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज एंड सीक्वेंसेस लेक्चर 20। तो हमारे 19 लेक्चर्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। सीरीज और सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे और उसके बाद सीरीज की प्रॉपर्टीज, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीरीज, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए फंक्शन we define from set of natural number into a set S, into any set S, okay? तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और इमेज सेट कोई भी सेट हम ले रहे हैं, जनरल सेट S, okay? अगर n का कोई भी एलिमेंट हम लें, यहां पर n, सपोज स्मॉल n, देन इट्स इमेज इज एफ एन, इमेज इज एफ एन, ओके। इन जनरल सीक्वेंस का जो नोटेशन लेते हैं हम फंक्शन का, वो इस तरह भी लेते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन विच इज डिनोटेड बाई एक्स विच इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एनी सेट, ओके। इफ एन बिलोंग्स टू एन, देन इट्स इमेज इज एक्स एन, एक्स एन, एंड दिस इज डिनोटेड बाई एक्स एन, एक्स एन, ओके। और यहां पर एक्स एन, जहां एन नेचुरल नंबर्स है, तो ये जो अपने पास आएंगे एन इक्वल टू वन के लिए एक्स वन, एन इक्वल टू टू एक्स टू, एक्स थ्री, एंड सो दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो इम्पोर्टेंट चीज जो यहां पर है, सीक्वेंस एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसा कोई भी सेट हमारे पास हो सकता है जिसके अंदर सीक्वेंस की इमेजेज जा रही है। यहां पर हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ इफ एस इज इक्वल टू क्यू, क्यू, अगर एस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके। अगर सेट एस सपोज इक्वल टू आर, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ओके, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ओके। इफ एस इज इक्वल टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो ये अलग अलग तरह से हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस की nth टर्म, इज xn, जबकि नोटेशन जो हम सीक्वेंस के लिए काम में लेंगे, नोटेशंस वो ये हैं, किसी भी सीक्वेंस को इस फॉर्म में हम लिखते हैं सीक्वेंस xn, इसको बोलते हैं, या इस तरह से सीक्वेंस xn, ओके। सो दीज आर डिफरेंट नोटेशंस फॉर सीक्वेंस। वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ओके, देन इट इज ए सीक्वेंस, ओके, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर एवरी नेचुरल नंबर,
ओके, डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, तो यहां पर ये सीक्वेंस बनेगा। और अगर इसका रेंज सेट हम लिखें, रेंज सेट, ओके, रेंज सेट इक्वल टू व्हाट, एक्स वन दैट इज वन स्क्वायर, एन इक्वल टू टू दिस इज टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर एंड सो, रेंज सेट ऑफ एक्स एन, एक्स एन। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एक्स एन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, देन वट इज रेंज सेट, रेंज सेट इक्वल टू एन इक्वल टू वन पर माइनस वन, देन वन, देन माइनस वन, वन एंड सो। सो दिस टर्म इज एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन एंड सो ऑन। सो वी कैन से that range of a sequence may be finite, okay, we can write this like minus 1 comma minus 1 comma 1, okay, set ki form mein hum isko likh sakte hain, that is we can say that range set of a sequence may be finite or infinite, okay, range set jo yahan par aayega finite ho sakta hai, infinite ho sakta hai, but the sequence has always an infinite number of elements, okay, or we can say but sequence has infinite number of terms, that is first term is x1, x2, x3, x4 and so on. So sequence has infinite terms, range set may be finite or infinite, finite or infinite. Next jo hum yahan par define karne ja rahe hain wo hai bounds of sequence. बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस, तो बाउंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सपोज एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ओके, रियल नंबर्स, एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन इट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, इट इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट a real number suppose capital K such that x n is less than equal to capital K for each n belongs to n, for each n belongs to, okay, if every term of sequence x n, sequence x n is less than equal to K, then K is called upper bound of sequence, okay, and we say that sequence is bounded above, okay, bounded above. Similarly we can define bounded below sequence, bounded below, bounded below. A sequence xn is said to be bounded below if there exist a real number small k such that small k is less than equal to xn for each n belongs to n belongs to, तो कोई ना कोई रियल नंबर इस तरह का एग्जिस्ट करना चाहिए कि सीक्वेंस की हर एक टर्म स्मॉल k से बड़ी हो, दैट इज स्मॉल k इज
less than equal to xn. Okay, then small k is called lower bound of sequence and sequence is called bounded below. Okay, so we have defined bounded above and bounded below sequences, and consequently now we will define bounded sequence. Bounded sequence. Okay, a sequence xn is said to be bounded if there exist real numbers small k, comma, capital K, such that small k is less than equal to xn is less than equal to capital K for each n belongs to n. So what we can say, if a sequence is bounded below and sequence is bounded above, then sequence is called bounded sequence. Okay, we can say that sequence is bounded if it has lower bound and upper bound both. Another definition of bounded sequence is what? Bounded sequence we can define. A sequence xn is said to be bounded if its range set is bounded. Okay, if range set of a sequence is bounded, then sequence is called a bounded sequence. Okay, so this is very important definition for bounded sequences. We can check, we can find the range set of given sequence, and then we can check whether lower bounds and upper bounds exist of that set or not. If lower bound and upper bounds exist, then set is bounded set, that is range set is bounded. In this case sequence is also bounded sequence. For example, if we take example 1, suppose we take a sequence xn equal to n square. Okay, suppose this is sequence, then what is its range set? Range set equal to 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and so on. So what is its lower bound? Lower bound of set equal to 1. Upper bound does not exist. Okay, so lower bound exists but upper bound does not exist. So sequence xn is not bounded. Similarly, if we take another example, if I take xn equal to 1 upon n, okay, nth term of sequence, then its range set equal to 1
1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on. ये रेंज सेट होगा. देन लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, लोअर बाउंड 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 एंड सो ऑन 1 बाई एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस टेंड्स टू 0. सो लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस इज 0, व्हाइल अपर बाउंड इक्वल टू 1, इक्वल टू lower bound is 0, but 0 is not element of this set. So we can say that lower bounds and upper bounds may or may not be elements of set, okay, because here 0 is not element of this set, but it is lower bound of this set. If lower bound and upper bound, okay, are elements of set, then there are some more definitions of these bounds. Further we will see that with the help of lower bounds and upper bounds we will define supremum and infimum, and if supremum and infimum are elements of that set, then we can say that supremum is maximum and infimum is minimum if elements belongs to this set. If supremum and infimum are not elements of that set, then maximum and supremum are different. Similarly, infimum and minimum are different concepts. Okay, so we will see when we define supremum and infimum. Okay, so here range set we are taking, its lower bound exist, its upper bound exist, so we can say that here sequence xn is bounded. Since range set is bounded, so sequence xn is bounded. Another important example we can give here, xn equal to minus 1 to the power n, minus 1 to the power n. Okay, so if we write its range set, range set equal to minus 1 1, minus 1 1, minus 1 1 and so lower bound equal to minus 1, upper bound equal to 1, and since lower bound and upper bound of range set exist, so sequence xn is bounded. Sequence xn is bounded. So further different examples we can check. For example, if I take fourth example, suppose xn equal to minus 1 raised to power n minus 1 upon n factorial, then what is its range set? Range set equal to n equal to 1, we get minus 1, n equal to 1, n equal to 1, then we get plus 1. Okay, n equal to 1, then minus 1 raised to power 0 and 1 factor. Okay, plus 1. N equal to 2, then minus 1 by 2. N equal to 3, 1 upon 3 factorial, minus 1 upon 4 factorial, and so. So what we can say, there are two sequences in this set. 1 upon 3 factorial, then 1 upon 5 factorial and so on. Okay, so what is upper bound of this sequence? Upper bound, if I take upper bound equal to 1, upper bound of sequence is 1, and what is
its lower bound. Lower bound I can say minus 1 by 2. Then next term is minus 1 upon 4 factorial, okay, which is greater than minus 1 by 2, okay, and so on. So minus 1 by 2 is its lower bound. Lower bound equal to minus 1 by 2. Since upper bound and lower bounds of this sequence, or we say range set of this sequence, exist, hence sequence is bounded sequence. Hence sequence is bounded. So we can check a set which is a range set of given sequence, and if this set is bounded, then we say sequence is bounded. तो फ्रेंड्स, आज हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस के नोटेशंस, लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स किए हैं. आगे के लेक्चर्स में हम सीक्वेंस को कंटिन्यू रखेंगे. हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी तरह की अगर क्वेरी या कोई प्रॉब्लम्स हमारे वीडियोस को लेकर आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों.